करप्ट रूलिंग एलीट के जो जिनका गठजोड़ है और जिसने गुज़िश्ता 70 साल से पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर रखा है। करप्शन और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान की तरक्की के अंदर ये तबका जो करप्ट है ये रुकावट है। 75 अरब डॉलर हमारे ऊपर कर्जा है और 400 अरब डॉलर मेरे अमेरिका और यूरोप के बैंकों के अंदर पड़े हुए हैं। हुकूमत NFC अवार्ड नहीं दे रही, उसकी वजह से छोटे सूबे खुसूसन सूबा खैबर पख्तूनख्वा अपनी मालियाती हकूक से महरूम है। पंजाब को नवाजने के लिए वफाकी हुकूमत, बड़ा भाई इस्लामाबाद में बैठा है, छोटा भाई लाहौर में बैठा है, बड़ा और छोटा भाई सिर्फ पंजाब के हकूक के लिए खैबर पख्तूनख्वा के मालियाती हकूक के ऊपर डाका डाल रही है। हमारा मुतालिबा है NFC अवार्ड का फौरी अजरा किया जाए। चारों सूबे तैयार हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, तमाम सूबों का मुतालिबा है ये जारी किया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर तो एक्सटेंशन उसको 2 साल की मिल गई है और ये हमने भी ऐसे एक बैड ऑप्शन कबूल कर लिया। ये हुकूमत की नाअहली है कि पहले उन्होंने जब मिलिट्री कोर्ट्स बनाए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये एक दफ़ा के लिए और हम इस दौरान सिविल जुडिशल सिस्टम की रिफॉर्म कर लेंगे और उसके बाद मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि वफाकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है सिविल जुडिशल सिस्टम को रिफॉर्म करने में, कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी हाथ है और वो बैरूनी हाथ कभी मशरिक की तरफ से आता है और कभी मगरिब की तरफ से आता है। तो जो बैरूनी हाथ है ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको आश्कारा करे, डिप्लोमेटिक चैनल को मुतहर्रिक करे। कलभूषण यादव की बात आप कर लें या इसके अलावा वक्तन फोक्तन और भी राके एजेंट यहाँ पे पकड़े गए हैं और अफगानिस्तान की सरजमीन को भी वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर चुके हैं और कर रहे हैं। हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि बैन अलाक्वामी बिरादरी के सामने हिंदुस्तान की पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का ये जो चेहरा है इसको आश्कारा करें। वज़ीर आज़म हाउस के अंदर मोदी वायर सरायत कर चुका है, वो मोदी के ख़िलाफ़ नहीं बोलता, वो कलभूषण यादव के ख़िलाफ़ नहीं बोलता और उसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ आलमी बिरादरी को हकीकत पता नहीं चल रहा। ये हुसैन हक्कानी की वाशिंगटन पोस्ट के अंदर लिखे गए आर्टिकल का ताल्लुक है, ये कौमी जुर्म है। हुसैन हक्कानी ने ये काम जिस तरह के उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है सिविल हुकूमत की मंजूरी से किया। ईवान सदर और ईवान वजीर आजम उसमें इन्वॉल्व थे, सदर और वजीर आजम की इजाज़त से किया जिस तरह उन्होंने खुद अपने आर्टिकल में लिखा है। इसलिए